हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रेगुलर जॉब में। तो गाइस, आई होप आपका आरआरबी जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले जो अभी 23 मई की जो आपके शिफ्ट वन हुई थी उसका आपका पेपर जो है कैसा गया, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए, कई क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। और अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी उसे याद कर लीजिए, क्या पता आपके एग्जाम में भी वो पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज जो है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे चूक जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आरआरबी जूनियर इंजीनियर के रिलेटेड या फिर एएलपी साइको के रिलेटेड वो हम आप तक प्रोवाइड कर सके। अगर आप एएलपी के कैंडिडेट है तो अगर अभी तक आपने हमारे कट ऑफ के वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चले गाइस वीडियो को शुरू करते। तो यहाँ पे जो है आज की जो आपकी शिफ्ट वन थी उसका हम यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाले। कई कैंडिडेट जो है जो उन्होंने मुझे यहाँ पे पर्सनली मैसेज करके जो है मुझे क्वेश्चन यहाँ पे फॉरवर्ड किए शिफ्ट वन के। तो चलिए एक एक करके जो है क्वेश्चन को देख लेते। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से गाइस देखिए, कल ये क्वेश्चन जो है आपका कौन सा सीएम ऑफ कर्नाटका, कल ही ये गाइस ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था। देखिए आज भी ये का यही रिपीट हो गया। तो आपको काम करना क्या है, तो आपको ये काम करना है कि आपको जो है सीएम और जितने भी पीएम है सारे कंट्री के वो आपको यहाँ पे कंपलसरी याद करके जाना है क्योंकि वो जो है बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए सीएम ऑफ कर्नाटका, तो सीएम ऑफ कर्नाटका कौन है, वो है आपके कुमार स्वामी। ये क्वेश्चन जी देखिए कल पूछा जा चुका है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है आपका केमिस्ट्री में से पूछा जा चुका है कि फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा क्या है, तो फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा है आपका NaHCO3। ये आपका जो है बेकिंग सोडा का यहाँ पे फॉर्मूला है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका करेंसी ऑफ साउथ कोरिया, करेंसी ऑफ साउथ कोरिया उसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वॉन, वॉन जो है साउथ कोरिया की करेंसी है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कैपिटल ऑफ नेपाल, तो कैपिटल ऑफ नेपाल कौन सा है, तो कैपिटल ऑफ नेपाल जो है आपका यहाँ पे काठमांडू है, काठमांडू को कैपिटल ऑफ नेपाल कहा गया है। उसके बाद आपका जो है एक क्वेश्चन आपका यहाँ से रीजनिंग में बन गया था, रीजनिंग से आपका एक क्वेश्चन इस तरह से था, एक कैंडिडेट ने मुझे भेजा है कि आपका फ्रूट कीवी एप्पल आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करके बताना था। देखिए कीवी भी फ्रूट है और एप्पल भी फ्रूट है, तो फ्रूट जो है बाहर आएगा और कीवी और एप्पल जो है उसके अंदर आएंगे, इस तरह से आपने किया है तो आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो सिक्स क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है आपको सीईओ ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो सीईओ ऑफ नीति आयोग जो है वो है आपके अमिताभ कांत, अमिताभ कांत जो है यहाँ पे सीईओ ऑफ नीति आयोग है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है गाइस वो है आपका हेड क्वार्टर ऑफ फीफा, फीफा का आपको जो है हेड क्वार्टर यहाँ पे पूछा गया है। तो सबको पता है कि जो फीफा जो है वो उसका हेड क्वार्टर जो है आपका कहाँ पे है, वो आपका है स्विट्जरलैंड में जो है फीफा का हेड क्वार्टर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा क्या है बेस्ट एक्ट्रेस इन बाफ्ता 2019, तो आपकी यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे जो एक्ट्रेस है उसका नाम है ओलिविया कॉलमन, ओलिविया कॉलमन जो करके एक एक्ट्रेस है, ब्रिटिश एक्ट्रेस है ये, उनका नाम है ओलिविया कॉलमन, वो जो है बेस्ट एक्ट्रेस मिला है उनको बाफ्ता का 2019 में लीडिंग रोल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपका कंप्यूटर से था, ये आपका पूछा गया था विच इज ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको चार ऑप्शन दिए गए थे आपको, जैसे विंडोज दिया गया था, कोई वर्ड करके भी एक दिया गया था, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है विंडोज 7, तो विंडोज 7 जो है एक रीत से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि हु पब्लिश द फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है कौन पब्लिश करता है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है आपके आरबीआई द्वारा ही पब्लिश किया जाता है हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपका डांस से पूछा जा चुका है, आपको पूछा गया है यहाँ पे कि कुचिपुड़ी डांस जो है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो कुचिपुड़ी डांस जो है आपका आंध्र प्रदेश से यहाँ पे बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम हेल्ड, आपका सबसे पहला जो पैरा ओलंपिक गेम हुआ था वो कौन से जो है कंट्री में हुआ था, तो वो आपका जो है रोम इटली में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आपका जो है यहाँ से एक आपका क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से, तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथेनम, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 57, तो 57 जो है लैंथेनम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है यहाँ पे फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, सबसे पहला लोकसभा इलेक्शन जो है वो कौन से साल में हुआ था, सबसे पहला लोकसभा इलेक्शन आपका हुआ था 1951 में, आपका लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। देखिए आपको जो है एक लोकसभा भी यहाँ पे कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कल भी लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट कितनी होती है, तो वो होती है आपकी कितनी
वो लोकसभा सीट के बारे में आपको जो है पूछा गया था, तो वो आपकी होती है 545 से लेकर 552 जो है आपकी लोकसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछा गया है यहाँ पे कि गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध थे उन्होंने सबसे पहले अपनी जो सरमन थी वो आपने उन्होंने कहाँ दी थी, तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले खुद की सभा जो थी वो सारनाथ में दी थी। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है रेलवे में पूछा जा चुका है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका एक बायोलॉजी से पूछा गया है डीएनए। देखिए हमने बायोलॉजी से जो वीडियो चलाए थे, हम लोगों ने बायोलॉजी के वीडियो मैंने प्रोवाइड किए थे, उन्हीं में से बायोलॉजी के मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिले, जो कैंडिडेट ने पूछे 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी के पीछे, सारे के सारे क्वेश्चन वही है जो मैंने बायोलॉजी में चलाए थे। तो यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ डीएनए पूछा गया, तो फुल फॉर्म डीएनए आपका हो जाएगा डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड जो है आपका डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप क्या कीजिए गाइस, आरएनए का भी फुल फॉर्म याद रख लीजिए, रिबोन्यूक्लिक एसिड, शायद एग्जाम में आपका पूछा जाए। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन जो है नाबार्ड का पूछा गया था कि फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड आपको बताना था, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आपका हो जाता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये आपका जो है नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी, तो वहाँ पूछा गया था कंट्री होस्ट 2023 रग्बी वर्ल्ड कप, तो रग्बी वर्ल्ड का रग्बी करके एक गेम है उसका जो है वर्ल्ड कप जो 2023 में होने वाला है वो कौन से कंट्री में होने वाला है, तो वो आपका होगा फ्रांस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज द प्रेजेंट स्पोर्ट मिनिस्टर, तो अभी जो करंटली जो है स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है, तो वो जो है राठौड़ करके कोई एक पर्सन है, वो है हमारे जो है स्पोर्ट मिनिस्टर है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका एक जो है यहाँ से आपका पूछा गया था 9-4 and 12 करके रजिस्टर कनेक्टर आपको रजिस्टेंस दिए थे वो आपको कनेक्ट किया था सीरीज में, तो आपको बताना था इक्विवेलेंट जो है रजिस्टेंस कितना होगा, तो इक्विवेलेंट जब कोई भी रजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो है सम होता है, तो यहाँ पे जो है आपका 25 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक आपका पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया था, आपको पूछा गया था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ब्लैंक आपको दिया था, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है MGH। उसके बाद देखिए एक आपका हो जाता है, एक आपका पूछा गया है केमिस्ट्री से क्वेश्चन के विनेगर जो होता है, विनेगर में कौन सा एसिड जो है प्रेजेंट होता है, तो विनेगर जो में होता है जो आपका एसिडिक एसिड जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक आपका क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि ब्रास जो है उसको किसके साथ मिक्स किया जाता है, तो ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक से मिक्स किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पेडोलॉजी जो होता है, देखिए ये क्वेश्चन भी हम जो है बायोलॉजी में चला चुके हैं कि पेडोलॉजी जो है कहाँ से उसकी स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो पेडोलॉजी की जो सॉइल की जो स्टडी की जाती है उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज जो है उनकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो फाउंडर थे आर्य समाज के, ये क्वेश्चन आपका एक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो अभी तक मुझे मिला है वो है मिनिमम एज ऑफ क्वालिफाई पीएम, तो आपको अगर पीएम बनना है तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, तो आपकी मिनिमम एज जो है 25 ईयर की होनी चाहिए, अगर आपकी एज 25 ईयर से ज़्यादा है तो आप जो है क्वालिफाई हो सकते हो पीएम बनने के लिए। तो ये गाइस इतने सारे क्वेश्चन जो थे जो आपके आरआरबी के आपके जूनियर इंजीनियर की आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जा चुके हैं, तो आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, तो इनमें से कई क्वेश्चन जो है वापस से रिपीट हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई आरआरबी जूनियर इंजीनियर के रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो हम आप तक प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।